नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल 8वीं या 10वीं पास हैं और बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के समाज कल्याण विभाग के अंदर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं 2019 में, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज कल्याण विभाग की ओर से आई हुई सीधी भर्ती 2019 के बारे में, जिसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं या फिर 8वीं या फिर 12वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो 32,704 रुपए आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा और यहां पे बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल आपके स्किल के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहां पर आप लोग 1 नवंबर 2019 से लेकर 21 दिसंबर 2019 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, भारत के सभी राज्यों से आवेदन किया जा सकता है और यहाँ पे जो आपका फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आगे की वीडियो देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको बता दें कि आप लोग 1 नवंबर 2019 से लेकर 21 दिसंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट का जब भी आएगा तो आपको नौकरीखबर.com वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। आपकी जो उम्र है वो 1 अक्टूबर 2019 से गिनी जाएगी। कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 45 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको सरकार के नियम के अनुसार छूट मिलेगा, जो कि बेसिकली ST/ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का होता है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री और यहाँ पे SC ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी कोई फीस नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की, तो आपको बहुत सारी पोस्टें मिलेंगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंट ऑफिसर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, अकाउंट्स असिस्टेंट हो गया, ला कम यहाँ पे प्रमोशन ऑफिसर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, सोशल वर्कर और आउटरीच वर्कर, यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें हैं जहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल की बात करते हैं तो 32,704 रुपए आपको स्टार्टिंग में आपके सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी आई है वो अभी जो है तो कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिक पे होगी, तो आपका स्टार्टिंग में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद वो देखेंगे कि आप लोग कैसा वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत सारी पोस्टें हैं जहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई। मैं आगे नोटिफिकेशन ओपन करूँगा, कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। आपका जो सिलेक्शन है स्किल टेस्ट के आधार पर होगा, हो सकता है CBT हो। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन करके दिखाऊं तो 300 लाइक का टारगेट है इस वीडियो के लिए, कंप्लीट करिए। चलिए नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये भर्ती आ चुकी है और ये जो नोटिफिकेशन है वो 23/10/2019 यानी कि 23 अक्टूबर को जारी किया गया है और यहां पे बाकी सारी जानकारी आपको दी गई, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और यहां से आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको 15 तरह की पोस्टें मिलेंगी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, लेखा अधिकारी, लेखाकार, लेखा सहायक से लेकर यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें हैं और यहाँ पे आरक्षण, उम्र सीमा, सारी चीजें, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करी गई है। आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन भर के दिखाऊं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।